बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर 4 साल के बाद एक बार फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे फॉर द लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जिसमें नजर आने वाले हैं रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट। इस फिल्म के लिए करण जौहर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और इसी फिल्म के साथ करण एक बार फिर से अपना रोमांटिक वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं जिस तरह की मूवीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग मई में स्टार्ट होनी थी लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और अब सुनने में आया है कि इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को एक टाइटल मिल चुका है जो है प्रेम कहानी। जी हाँ, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की इस फिल्म का नाम होगा प्रेम कहानी। फिल्म से रिलेटेड सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। करण जौहर ने स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पर भी काम कर लिया है। अलग अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पर एक डिफरेंट लव स्टोरी क्रिएट करते देखा जाएगा। विंटेज करण जौहर वाली फिल्में हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। उन्होंने जो लास्ट फिल्म डायरेक्ट की थी वो थी ए दिल है मुश्किल, लेकिन ये फिल्म ए दिल है मुश्किल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। वहीं आलिया और रणबीर की जोड़ी गली बॉय में साथ में नजर आई थी, जो बिल्कुल ही अलग फिल्म थी। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी और आलिया और रणवीर को एक दूसरे के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करते देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म को लेकर हर चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है और अगर एक ये रोमांटिक फिल्म है तो इसका म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही होगा। बस अब वेट है पेंडेमिक खत्म होने का ताकि रणवीर और आलिया इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर सके।